इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री ते श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया दी जेड सुरक्षा वापस ले ली है। बीजेपी नालों तोड़ उछाड़ा करन मगरों केंद्र सरकार ने हुण साबका मंत्री ते अकाली दल दे जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया दी जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। केंद्र वालों भेजी चिट्ठी मगरों पंजाब सरकार हुण मजीठिया दी सुरक्षा दी समीक्षा करेगी अते तय किया जाएगा कि उन्हां नूं हुण किस प्रकार दी सुरक्षा दित्ती जानी है। उधर मजीठिया नूं गैंगस्टरां ते विदेशां च लुके गैर समाजी तत्तां तों लगातार धमकियां मिलन करके अकाली भाजपा सरकार ने उन्हां नूं जेड श्रेणी दी सुरक्षा देण दी मंग कीती सी। इसे सुरक्षा तहत ही मजीठिया नूं CISF दे 30 तों 40 जवान ते 2 एस्कॉर्ट वाहन मुहैया कराए गए सन। हुण केंद्र दे नवे हुक्मां दे मगरों सारी सुरक्षा वापस लै ली गई है। हुण मजीठिया दी सुरक्षा सिर्फ पंजाब पुलिस दे अधीन है। पंजाब पुलिस ने जुलाई 2018 च सूबे दे सियासी लीडरां ते होर खास शख्सियतां दी सुरक्षा दी समीक्षा करदिआं मजीठिया दी सुरक्षा चों 11 जवान वापस बुला ले सन। हुण सूबा सरकार ने केंद्र दी ताजी चिट्ठी मगरों DGP नूं मजीठिया दी सुरक्षा दी समीक्षा करन लई आख दित्ता है। केंद्रीय खेती कानूनां दे मसले ते BJP ते श्रोमणी अकाली दल तड़िंग है। अकाली दल वल्लों केंद्र दा फैसला बदलाखोरी दस्सिआ जा रिहा है। तां दस दईए कि खेती कानूनां तों बाद वी श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा नालों नाता तोड़िआ सी अते हुण इह उसदा ही नतीजा मन्निआ जा रिहा है। पहली तो गल है सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जिहड़ी सिक्योरिटी मिली हुई है 2010 दी मिली हुई है उदों UPA दी सरकार सी और पी चिदंबरम साहब होम मिनिस्टर सी और सीरियस थ्रेट परसैप्शन दे करके उस वेले उन्हां नूं केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दित्ती सी। सो 10 साल तो सिक्योरिटी उन्हां दी कंटीन्यूअस चल रही है। अज अचानक जिहड़ी है कि डिवेलपमेंट हो गई कि सारी दी सारी सिक्योरिटी उन्हां दी CISF दी फिल्टर हो गई। जे इस तरीके असैसमेंट होएगी सिक्योरिटीआं दी पोलिटिकल बेसिस दे उत्ते ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।